विरासत टैक्स लगा करके उनकी पैतृक प्रॉपर्टियों को छीनना चाहते हो। यह जानते हो कि ये पैतृक प्रॉपर्टियां कैसे बनती हैं? पीढ़ियों खप जाती हैं। एक पीढ़ी जब अपना पेट काट काट करके इकट्ठा करती है, अपने लड़कों को पढ़ाती है लिखाती है, तब वो लड़के पढ़ लिख करके कमाते हैं। एक पीढ़ी चली गई पढ़ाने लिखाने में, तैयार करने में, दूसरी पीढ़ी कमाती है और इकट्ठा करती है, तब तीसरी पीढ़ी आकर के कहीं उस पैसे का और उसकी बनाई हुई प्रॉपर्टियों का सुख भोगती है। आप उस विरासत को नष्ट करना चाहते हो, उस विरासत पे टैक्स लगाना चाहते हो। इससे बड़ा घृणित और इससे बड़ा अमानवीय कार्य आप हिंदुओं के प्रति और क्या करोगे? आपने ऐसे ऐसे कार्य किए हिंदुओं के ऊपर कि जिनकी चर्चा करना भी कठिन हो जाता है, और आप आज भी नहीं सुधरे हो और चाहते हो कि हिंदू तुम्हें समर्थन करे, हिंदू तुमको वोट दे। अरे तुम जातिगत गणना करवाना चाहते हो, जिसकी खुद की जाति का पता नहीं है वो जातियों की गणना करवा करके इस हिंदू समाज को जातियों में लड़वाना चाहता है। क्या चाहते हो तुम? हिंदू इस देश में मिट जाए? हिंदुओं को मिटाना चाहते हो? यह ऐसा नहीं होगा। अब कांग्रेस कभी नहीं आएगी। कांग्रेस का अंत ही इस देश की भलाई है। अगर हिंदुओं को अपना भला चाहना है तो कांग्रेस का अंत करे।